हेलो फ्रेंड्स मिशन यूपी टीजीटी एंड पीजीटी में आपका वेलकम है फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं जॉन मिल्टन क्योंकि इनका फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम ये सेकंड वीडियो है अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं कई बार पूछे जा चुके हैं और उन क्वेश्चन के ऑप्शंस तथा उसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसको हमने डिस्कस किया है तो उन सभी चीज़ों के लिए आप इसके पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है यहाँ आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री थॉमस ग्रेज प्रोग्रेस ऑफ पोइजी थॉमस ग्रे का प्रोग्रेस ऑफ पोइजी इन वोक्स ए मेजर पोएट एज फॉलोज यू जी सी नेट दो हजार पंद्रह और पी जी टी दो हजार सोलह में ये क्वेश्चन पूछा गया है नॉर सेकेंड नॉर नॉर सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपान दी सेरब्स विंग्स ऑफ एक्सटेसी द सक्रेट ऑफ द एबिस्ट स्पाई हु इज ही यहाँ पर जो ही कहा गया है वो कौन है फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पर है इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉन मिल्टन तो एक्सप्लेनेशन में देख रहे हैं आप कि इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉन मिल्टन और जॉन मिल्टन यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है इसका इन हीज प्रोग्रेस ऑफ पोइजी थॉमस ग्रे थॉमस ग्रे की जो प्रोग्रेस ऑफ पोइजी है उसमें उन्होंने इन्वोक किया था किसको जॉन मिल्टन को किया था तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हो गया आते हैं सेकेंड ट्वेंटी सॉरी ट्वेल्व क्वेश्चन पर और आज का ये सेकेंड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज़ ए कंटेम्प्रेरी पोएट ऑफ जॉन मिल्टन इनमें से कौन जॉन मिल्टन का कंटेम्प्रेरी पोएट है ऑन एंड रोट दर्दी कम्युनिक कम्युनिकेंट इनका कंटेम्प्रेरी भी होना चाहिए और वो उसने ये लिखा हो द वर्दी कम्युनिकेंट इट इज सेट दैट प्रोज कैन बी रीड इजिली व्हेन मिल्टन मस्ट बी स्टडीड एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्परे ऑफ जॉन मिल्टन एंड रोट द वर्दी कम्युनिकेंट इट इज सेड दैट हिज प्रोज कैन बी रेड इजली वेन मिल्टन मस्ट बी स्टडीड यूजेसी नेट 2015 के जून में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये है जर्मी टेलर जर्मी टेलर इसका एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में है कि जॉन मिल्टनस कंटेम्परे एंड आर्थर ऑफ द वर्दी ऑफ कम्युनिकेंट आर्थर ऑफ वर्दी कम्युनिकेंट कौन है जर्मी टेलर हैं और उन्होंने इसको पब्लिश किया था सिक्सटीन में डिस्क्राइब्ड एबव इज़ जर्मी टेलर मतलब वो जर्मी टेलर के बारे में दिया गया है सबसे पहले हम एग्जाम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इन दो क्वेश्चन के बाद ये एग्जाम पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट आते हैं द टाइटल ऑफ एल एलिगेरोल पेंसिरोसो आर फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का आप देख रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है एग्जाम में पूछे ही जाते हैं ये सारे क्वेश्चन और अगर आपको ये लग रहा हो कि एग्ज़ाम के लेबल का जो टी का एग्ज़ाम हमें देना है उसके लेबल के क्वेश्चंस यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिखाए जा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन भी दबाइए और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी कर दीजिए ताकि उससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और इससे भी अच्छे अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन अच्छी अच्छी बुक से परचेज करके कहीं से भी ला आपको इस वीडियो में ला दे सकूँ तो ये क्वेश्चन था वन लाइनर में एग्जाम पॉइंट में क्या था द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड इल पेंसिरोसो और फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी एल एलिजरो और इल पेंसिरोसो जो था वो म्यूजिकोलॉजी से से था और इसके बाद द मीनिंग एल पेंसिरोसो इज द थाटफुल मैन एल पेंसिरोसो का मतलब होता है द थाटफुल मैन मतलब दुखी आदमी बहुत चिंतित आदमी और एल एलिगरो आफ्टर पेनिशिंग द स्पिरिट ऑफ लोथड मेलोंकली वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मर्थ यहाँ आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में एल एलिगोरो आफ्टर बेनिसिंग द स्प्रिट ऑफ लोथड मेलॉकली वेलकम्स द गॉडस ऑफ मर्थ इम प्रोसीन इम प्रोसीन ठीक आप देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इल पेंसिरोसो आफ्टर बेनिसिंग डीलजिंग जॉयज वेलकम्स द गॉडस मेलॉन्कली क्या है एल एलिजरो सॉरी इल पेंसिरोसो आफ्टर बेनसिंग डील डीलजिंग जॉयज वेलकम्स द गॉडेस इसका मेलोंगकली होगा और ये है एग्जाम पॉइंट्स इन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट सतन इज कम्पेयर टू लेवी एथन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाते चलें इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सतन इज कम्पेयर टू लेवीएथन सतन बुक फर्स्ट में किससे कंपेयर किया गया है उसका लेवीएथन से नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि सतन कैन सीड्यूस मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही है कन्फ्यूजन रैथ एंड वेल्जिबा सॉरी uh, इसको छोड़ते हैं यहाँ यहाँ पर यह देखते हैं कि सतन कैन सेड्यूस मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव ट्रबल कन्फ्यूजन रेथ एंड वेजियंस ठीक चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट्स पे और इसमें देखेंगे हु वाज द नेक्स्ट टू सतन सतन के नेक्स्ट में कौन था उसके बाद बेल्जिब था कौन था बेलजिब था नेक्स्ट पॉइंट्स है मोलोग इज द हॉरिड किंग बिस्मीअर्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस मोलोक इज द हॉरिड किंग बिस्मियर्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप आपको देखते हैं कि हु वाउंड एल्योअर बाई सीरियन डैमसेल्स टू लेमेंट हिस्स फेट इसका है थैमज थेमज इसका करेक्ट ऑप्शन है और इस पॉइंट का देखिए हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल्स बेलियल कॉन हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ वॉल एंजल्स बेलियल नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट में ही इज एसोसिएटेड विद लास्ट एंड वायोलेंस ही रेन्स इन कोर्ट एंड पैलेसेस हु इज ही बेलियल ठीक नेक्स्ट है यहां पर देखेंगे कि वेन द नाइट डार्केंस द स्ट्रीट देन वांडर फोर्थ ऑफ सन्स ऑफ बेलियल फ्लोन विद इनसोलेंस इन्लेंस एंड वाइन वेयर डू दीज लाइंस अपीयर ये लाइन कहाँ आती है पैराडाइज लास्ट में आती है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फॉर दिस इन्फर्नल पिट शैल नेवर होल्ड सेलेस्टियल स्परिट्स इन बॉन्डेज वेयर डू दीज लाइंस अपीयर यह भी पैराडाइज लास्ट में आती है और यहाँ पर है लेट नन एडमायर दैट रीचेज ग्रोज इन हेल that soil may best deserve the precious बेन Where do these lines appear? Paradise Lost में ये line आती है चलते हैं friend next पे Question number थर्टीन को देखते हैं और question number 13 में आप देखेंगे the opening सिक्सटीन lines of paradise lost comprise जो opening सिक्सटीन line है paradise Lost का वो comprise किया गया है इसका option ए सही है वन सेंटेंस में यानी कि ऊपर की पहली सिक्सटीन लाइन जो है वो वन सेंटेंस में है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है और यहाँ बना भी है यू जी नेट 2015 में जून में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था द फर्स्ट सिक्सटीन लाइन ऑफ विलियम शेक्सपी सॉरी विलियम शेक्सपियर बार बार आते हैं द फर्स्ट सिक्सटीन लाइन ऑफ मिल्टन पैराडाइज लास्ट सिक्सटीन सिक्सटी सेवन कंप्राइज वन सेंटेंस ठीक जो पहला सोलह लाइन है पहली सोलह लाइन है पैराडाइज लास्ट की वो लाइन की है ये सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटी सेवन में पब्लिश कराई गई थी और ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन पैराडाइज लास्ट मिल्टन प्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन टू स्टेजेस इन बुक यूजीसी नेट जून 2015 फिफ्टीन में ये क्वेश्चन पूछा गया था बुक फोर एंड बुक नाइन्थ इन पैराडाइज लास्ट मिल्टन द एक्शन ऑफ़ द फॉल ऑफ मैन इन टू स्टेज इन बुक्स बुक फोर एंड बुक नाइन्थ इन मिल्टन पैराडाइज लास्ट जो कि सिक्सटीन सिक्सटी सेवन में पब्लिश हुई थी द फॉल ऑफ मैन इज प्रजेंटेड इन टू स्टेज इन बुक्स फोर्थ एंड नाइन्थ ठीक तो ये क्वेश्चन हो गया आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे और क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ये कहता है कि वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्सन देयर इज लिटिल ग्रीव

कोटेड बाई डॉक्टर सेमूल जॉनसन इन हीज लेवीज इन हीज़ लाइफ्स ऑफ पोएट्स जो कि 1779 में सेमूल जॉनसन ने लिखा था लाइफ्स ऑफ पोएट्स उसमें उन्होंने ये लाइन कही थी एक बार लाइन फिर से पढ़ लेते हैं डॉक्टर सेमूल जॉनसन ने सत्रह सौ उन्यासी ईस्वी में सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन में अपने एक वर्क में लाइफ्स ऑफ पोएट्स में ये कोट किया था क्या वेयर दिज देर इज ए लीज वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ सैम जॉनसन का क्रिटिसिज्म था और चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन को देखते हैं एज एडम एंड यू लीव पैराडाइज हैंड इन हैंड विद स्टेप्स स्टेप्स इन एंड स्लो बुक ट्वेल्थ में पैराडाइज लास्ट में व्हाट इज दियर कंसोलेशन 2016 में नेट में भी पूछा गया है इसका करेक्ट ऑप्शन है बी दे आर कंफर्टेड दे आर कंफर्टेड बाई दे फॉर नॉलेज दे आर फोर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्रिस्ट क्रिस्ट एज रिडीमर रिडीमर ऑफ मैनकाइंड काइंड यहां पर देखेंगे एडम एंड यू वे कन कंफर्टेबल बाई दे आर फोर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्रिस्ट्स ज ए रिडीमर ऑफ मैन काइंड क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आप देख रहे हैं इन पैराडाइज लास्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ मैन काइंड ऑफ यू फ्रॉम रीड रीड इन एडम साइड यह है इसका आंसर एडम करेक्ट ऑप्शन ए है एडम हिमसेल्फ टेल्स द स्टोरी ऑफ मैन काइंड ऑफ यू फ्रॉम हिज लेफ्ट साइड लाइन्स फोर हंड्रेड सिक्सटी टू फोर हंड्रेड एट्टी इन बुक एट पैराडाइज लॉस्ट चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज। ये क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि जॉन डिस्क्रिप्शन ऑफ पूछा गया है ये क्वेश्चन और इसका आंसर करेक्ट कौन सा सही है एन ऑक्मोरन ऑग्जी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपेरेंटली कंट्रोडिक्टियर इन conjunctions here precious means valuable and बेन means distress and डिस्ट्रेस और एनायस ठीक तो यहां पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि जॉन मिल्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज ए प्रीसियस बेन तो यहां पर क्या है ऑक्सी मोरन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन को एक बार देखते हैं और नाइनटीन में कहा गया है कि मिल्टेंस लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस ऑकर्स इन मिल्टन का लेमेंट जो उनके ब्लाइंडनेस के लिए था वो किस वर्क में आया था तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी द नेटिविटी ओड नेटिविटी ओड उन्होंने अपने ब्लाइंडनेस के ऊपर लिखा था लेमेंटेशन किया था जॉन मिल्टन नेटिविटी ओड वॉज फर्स्ट पब्लिश इन पोएम सिक्सटीन इट अटैक्ट लिटिल अटेंशन बिफोर द एटीन सेंचुरी इन दिस पोएम मिल्टन लेमेंट्स फॉर हिज ब्लाइंडनेस इस पोएम में मिल्टन अपने अंधेपन के लिए बिलाप करते हैं रोते तड़पते हैं मतलब दुखी होते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देख सकते हैं कि हु रिप्लाइज टू मिल्टेंस क्वेश्चन ड गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पेशेंस पेशेंस रिप्लाइज टू मिल्टेंस क्वेश्चन डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड इन हीज़ ऑन हिज ब्लाइंड ऑन हिज ब्लाइंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ द सनेट्स ऑफ जॉन मिल्टन द सोनेट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन मिल्टन सिक्सटीन सेवेंटी थ्री पोएम मिल्टन सिक्सटीन सेवनटी थ्री पोएम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे और इसमें देखते हैं कि मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेथ इन गॉड्स वे फेथ इन गॉड्स वे इसका इसका एक्सप्लनेशन देखते हैं सभी जो क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक like करें एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेथ इन गॉड्स वे इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन राइट्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ ब्लाइंडनेस ही आस्क इफ गॉड वॉन्ट्स हिम टू कीप वर्किंग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हीज जॉब कॉज्ड हिम टू लॉस हिज साइड ए परसनिफाइड पेशेंस टेल हिम दैट गॉड रिवार्ड्स इवन दोज हुटैंड एंड वेट टू बी अफ सर्विस ठीक इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू तु पे आते हैं और ट्वेंटी टू तु में कहा गया है कि हु इज मिल्ट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट इज़ बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ हु इज मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व बेस्ट गॉड गॉड बेस्ट तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है वन हु बीयर्स हिज बर्डन फर्स्ट वो जो अपने बर्डन को फर्स्ट सह ले जाता है वही गॉड के गॉड की सेवा सबसे अच्छा करता है जो अपनी मजबूरियों को बर्डन्स को अच्छे से सह लेता है वही गॉड की सेवा सबसे अच्छा करता है वन हु बियर्स इज बर्डन बेस्ट इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट गॉड हैज ए मास्टर प्लान फॉर एवरी मैन ऑन अर्थ वॉट एवर जॉयस एंड सॉर्ज ए मैन फेसेस आर ऑल प्लान इन एडवांस्ड फॉर हिम बाई गॉड लगभग सेम टाइप से हेमलेट uh, ने कहा कि देयर इज़ ए प्रोविडेंस देयर इज ए प्रोविडेंस इन ए फॉल ऑफ़ इन ए फॉल ऑफ स्पैरो तो यही जो बात है कि अगर पत्ता भी हिलता है तो वो भी ईश्वर की मर्जी से हिलता है कुछ कुछ यहाँ पर मिल्टन ने ये कहा है और शेक्सपियर ने वहाँ उस जगह पे ये बातें कही हैं चलिए चलते हैं नेक्स्ट अब हम आ चुके हैं एग्ज़ाम पॉइंट्स को देखने के लिए एग्जाम पॉइंट्स में क्या है कि पहले आप देखेंगे कि वाट रोज़ लाइक एंड एग्जाल एग्जालेशन यहाँ पर आप देखेंगे कि पेंडामोनियम यहाँ पर दिया गया है और हम इसको पढ़ते हैं ये लाइन है रोज लाइक एन एग्जालेशन विद द साउंड ऑफ डल सेट सिम्फोनीज एंड वाइसेस स्वीट वाट रोज लाइक एन एग्जालेशन पेंडामोनियम इसका करेक्ट आंसर है और यहाँ पर चलते हैं कि वी रीड पैराडाइज लास्ट एज अ ट नो बडी यूवर विस्ट इट्स लोंगर डॉक्टर जॉनसन कहते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर जॉनसन की वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क नो बडी यूर विस्ट इट लॉन्गर डॉक्टर जॉनसन नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट है जॉर्ज हर्बर्ट थॉमस कैरू रॉबर्ट हैरिक रिचर्ड ग्रासा रिचर्ड लवलिस हैंनरी व एंड एंड्र्यू मार्वल और मिल्टन कंटेम्प्रेरी मिल्टन के कंटेम्प्रेरी कौन थे जॉर्ज हर्बर्ट थे थॉमस कैरी थे रॉबर्ट हेरिक थे रिचर्ड क्रासा थे रिचर्ड लवलिस थे हेनरी वॉगम थे एंड्री मार्वल थे इन सबसे क्वेश्चन आ सकता है कुछ ना कुछ कंटेम्प्रेरी के बारे में पूछेगा तो वो तो पूछेगा ही मिल्टन रोट पास्टोरल टू एक्सप्रेस हि ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स डिओदी इट हैज समीट्यूड

फीएम करेक्ट आंसर है इस पे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक ऑन द पोलिटिकल करप्शन ऑफ द क्लर्जी इन द इंग्लिश चर्च एंड अ प्ली फॉर डेमोक्रेसी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च यहाँ पर आप देखेंगे ऑफ रिफॉर्मेशन इसका आंसर है नेक्स्ट पॉइंट है विच पीस शोज द सुपीरियरिटी ऑफ द प्रेस्बिटेरियन सिस्टम ऑफ चर्च गवर्नमेंट इसका है ऑफ प्रीलेटिकल इपिस्कोपेसी नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट्स है कि क्या है इसमें एनिमे एनिम एडवर्जनस इज एन अटैक ऑन ए कैरेक्टर राइटर्स बिशफ हाल इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर देखें कि विच ट्रैक्ट रिकमेंड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट इट इज़ अ लॉन्ग इलेसिएटिकल ट्रैक्ट कौन सा है द रीज़न ऑफ चर्च गवर्नमेंट नेक्स्ट है द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स ये इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स द जजमेंट ऑफ मार्टिन बू मार्टिन बूशर टेट्राकॉर्डन एंड कोलास्टेरियन आर द फोर ट्रैक्ट ऑन डायवोर्स हुम मिल्टन रोड थे नेक्स्ट है मिल्टन टॉक्स ऑफ द दप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स विद पर्सनल कॉन्टेक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वेयर डज ही टॉक ऑफ़ एजुकेशन वेयर डज ही टॉक ऑफ एजुकेशन यहाँ पर देखेंगे द लिटिल ऑफ एयरोजिटिका इज डिराइव फ्रॉम अ स्पीच विद वॉस विच वॉज एड्रेस्ड टू एंथेनियन कोर्ट ऑफ द एरो पैगस द स्पीच वॉज एड्रेस्ड बाई आइसोक्रेट्स सिक्सटीन फोर्टी नाइन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट्स को देखते हैं और ये है चार्ल्स फर्स्ट वॉज बी हैडेड इन सिक्सटीन फोर्टी नाइन और इसके बाद है मिल्टन रोट दिस वर्क ओनली टू काम डाउन द पब्लिक्स रिएक्शन टू फीयर टू द बी हेडिंग ऑफ द चार्ल्स विच वर्क इज दिस ऑन द टन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स इसके बाद फिर आगे देखते हैं इस एग्जाम पॉइंट्स में है हुटूड फॉर एन आस्टीर हाई प्रिंसिपल्ड गॉड फियरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ ये थे द प्योरिटन्स ठीक ये प्योरिटन्स थे फिर देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबैथ द प्योरिटन्स फॉर माइनॉरिटी एलिजाबैथ के समय में जो प्योरिटन्स थे वो माइनॉरिटी थे ये अब देखेंगे लव वर्च्यू शी एलोन इज फ्री शी कैन टीच ये हाउ टू क्लाइंब हायर दैन द स्फेरी काइम और इफ़ वर्च्यू फीबल वेयर हैवन इट्स सेल्फ वुड स्टूप टू हर वेयर डू दीज लाइन अपीयर्स ये लाइन कहाँ पर आती है कॉमर्स ये लाइन कहाँ की है कॉमर्स की लाइन है ठीक फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है मिल्टन पैराडाइज लास्ट इज डिवाइडेड इन टू मिल्टन की जो पैराडाइज लास्ट है वो ट्वेल्व बुक्स में है ठीक पैराडाइज लास्ट ब्लैंक वर्स में लिखी गई एक एक एपिक पोयम, पोयम है या सोलह सौ सो सड़सठ ईस्वी में प्रथम बार फर्स्ट प्रथम बार फर्स्ट वर्जन में प्रकाशित हुआ तब इसमें दस बुक थी लेकिन इसका दूसरा संस्करण यानी कि सेकेंड वर्जन जो आया था वो सिक्सटीन हंड्रेड सेवेंटी फोर में प्रकाशित हुआ तब उसमें कुल बारह बुक्स थी और इसके तीसरी भी एडिशन आई थी वो सोलह इसमें में आया था तो पैराडाइज लास्ट के तीन चीज़ें याद करनी है पहला जब सोलह सो में आया था तो उसमें 10 बुक थी जब सेकेंड एडिशन सोलह सो में आया तो उसमें 12 बुक थी और इट्स थर्ड एडिशन केम इन सोलह सौ यानी 1678 में 1667, 1674, 1678 में तीन एडिशन में पैराडाइज लास्ट आई थी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पेट्रार्कन सॉनेट मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो पीजीटी 2013 में पूछा गया है कि मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है ए पेट्रार्कन सोनेट है इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे मिल्टनस ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पेट्रार्कन सोनेट ए पेट्रार्कन सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइंस डिवाइडेड इनटू ऑक्टिव 8 लाइंस एंड सेस्टेड 6 लाइंस मार्क बाय ए डिस्टिंक्ट सेसरा पास आफ्टर द एट लाइन हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव को हम देखते हैं यहाँ पर दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इन दिस लाइन ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे स्टैंड फॉर दोज हु पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड यहाँ इसके एक्सप्लेशन में देखते हैं कि दिज लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट दे इस्टैंड फॉर कॉमन पीपल दे स्टैंडस फॉर कॉमन पीपल हु पेशेंटली एक्सेप्ट द डिग्री ऑफ गॉड मतलब जो कामन पीपल होते हैं वो बिल्कुल स्टैंड करके वेट करते रहते हैं और जो गॉड के द्वारा मिलता है वही एक्सेप्ट करते हैं और मेहनती लोग मेहनत से पढ़ के टी जी टी क्वालिफाई करके ज़िंदगी की मौज लेते हैं इन लाइन थ्री ऑफ हिज इन लाइन थ्री ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट वॉट इज इट मिल्टन जो है वन टैलेंट की जो बात करते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस में तीसरी लाइन में वो क्या होता है वो होता है एबिलिटी लाइन थ्री ऑन हिज ब्लाइंडनेस रीड्स एंड एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड विच इंडिकेट्स मिल्टनस पोइटिक एबिलिटी विच ही डजेंट वॉन्ट टू कीप हिडन फ्रॉम गॉड ठीक नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हु इज द राइटर ऑफ यस्से ऑन मिल्टन ये इज ऑन मिल्टन पी जी टी दो हज़ार तेरह के वी एस का क्वेश्चन है मैकॉले इसका का आंसर है ये ऑन मिल्टन कौन लिखा है मैकॉले ने लिखा है मै कॉलेज इन द ब्रू रिव्यू बिगेन विद मिल्टन इन 1825 ट्वेंटी फाइव मिल्टन इन एटीन ट्वेंटी फाइव ठीक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट को देखिए और इस क्वेश्चन में लिखा है कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट फ्रॉम विच पोएम हैज दिस लाइन बीन टेकन क्वेश्चन का आंसर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ठीक ऑन हिज ब्लाइंडनेस दिस लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इज टेकन फ्रॉम मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस सिक्सटीन हंड्रेड सेवेंटी थ्री हैंप्शन सी इज करेक्ट फ्रेंड्स आपके सामने है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखिए कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट व्हाट डज लाइट रेफर टू आई साइट एग्जैक्टली माई लाइट इज स्पेंट जो मिल्टन ने कहा था वो अपनी आँख के अंधे होने की वजह से किया था तो जो उनका आँख की रोशनी थी वो चली गई थी मिल्टन इज मिल्टन इन हिज पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कि सोलह सौ तिहत्तर ईस्वी में पब्लिश हुई थी द टाइटल गिवन बाय द पब्लिशर ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो पब्लिशर के द्वारा टाइटल दी गई थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करके इसको याद कर लीजिए कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो था सोलह सौ ईस्वी में वो टाइटल पब्लिशर के द्वारा दिया गया था रिफर्स टू हिज़ फॉलिंग आई साइड वो उनकी आई साइट के फाल के लिए हुआ था और यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्टी में देखेंगे जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टी टू वाट अदर इवेंट इज पिक्लियर इन द ईयर वाट अदर इवेंट ओके वाट वाट अदर इवेंट दूसरी क्या थी कि हिज वाइफ डेड मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट इन द सेम ईयर इन विच हिज़ फर्स्ट वाइफ मैरी पावल डाइड सी डाइड ऑन फाइव मे सिक्सटीन फिफ्टी टू फ्राम फ्राम कॉम्प्लिकेशंस फ्राम डेबोरास बर्थ डेबोरा जो उनकी बेटी थी उसके बर्थ के समय पाँच मई सोलह सौ बावन ईस्वी को मैरी पावल जो है वो आ, मर जाती हैं और इनकी शादी होती है 1642 सौ बयालीस ईस्वी में यानी 10 साल तक दोनों लोग कपल रहते हैं ही गॉट मैरिड द सेकेंड टाइम ऑन 12 नवंबर 1656 और इसके बाद बावन में वो मरती हैं चार साल बाद छप्पन में फिर से कैथरीन उडकॉक से शादी करते हैं किससे शादी करते हैं कैथरीन उडकॉक से शादी करते हैं सोलह सौ छप्पन में कैथरीन कैथरीन उडकॉक से शादी करते हैं सी टू डाइड इन 1658 और दो ही साल बाद वो भी सोलह सौ अट्ठावन ईस्वी में मर जाती हैं इसके बाद फिर से मिल्टन शादी करते हैं तीसरी टाइम 24 फरवरी सोलह सौ को इस बार उनकी किस्मत खुल जाती है कि ख़त्म हो जाती है कि इस बार उनकी वाइफ़ नहीं इसके कुछ दिन बाद मिल्टन ही डेड हो जाते हैं और एलिजाबेथ मिनशल जो थी तीसरी वाइफ इनसे तीस साल छोटी थी बंदे की किस्मत अच्छी रही होगी लेकिन इतनी अच्छी किस्मत थी कि अब की बार इनकी बीबी नहीं यही चल बसते हैं सोलह सौ ईस्वी में भाई चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन को देखते हैं और थर्टी वन में क्या है कि लेसिडस वाज रिटेन इन द मेमोरी ऑफ लेसिडस जो था वो किसकी मेमोरी में लिखा गया था किसकी याद में लिखा गया था एडवर्ड किंग ठीक ती ये देखिए टी जी टी में आर पी एस सी एग्जाम पी जी टी में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि लिसिडस इज ए पास्टोरल एल जी रिटेन इन 1637 ए कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग हैड ड्रॉन्ड इन द एरी सी एंड मिल्टन फॉलोज द पोइटिक कस्टम ऑफ हिज एज बाई रिप्रेजेंटे रिप्रेजेंटिंग बोथ हीज फ्रेंड एंड हिमसेल्फ इन द गाइज ऑफ सेफर्स लीडिंग द पास्टोरल लाइफ चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पर और इसको देखते हैं हु अबाउट होम कौन किसके लिए लिखता है टी 2001 में पूछा गया सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड डिवेल्ट अ पार्ट वर्ड्स वर्थ अबाउट मिल्टन के बारे में लिखते हैं इन द पोय लंदन 1802 जीरो टू बाई वर्ड्स वर्थ ही कास्टिगेट्स द इंग्लिश पीपल एज स्टेगनेंट एंड सेल्फिश एंड यूलोजाइज सेवनटीन सेंचुरी पोएट जॉन मिल्टन दिस लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ सेस्टेड क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री देखेंगे वन वॉज पैराडाइज लास्ट पब्लिश्ड पैराडाइज लास्ट कब पब्लिश किया गया था ये क्वेश्चन टी डी टी एक में टी जी टी ग्यारह में दो हज़ार एक कई बार पूछा गया तो पैराडाइज लास्ट जो है वो 1667 में पब्लिश कराया गया था और इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि पैराडाइज लास्ट जो था एन एपिक पोयम है ब्लैंक वर्स में है मिल्टन ने लिखा है फर्स्ट वर्जन जो आया था वो सोलह सो में आया था कंसिस्टेड ऑफ टेन बुक्स उसमें थे विद ओवर टेन थाउजेंड लाइन्स ऑफ वर्सेस उस समय दस बुक थी दस लाइन थी और सेकेंड एडिशन जो आया था वो सोलह सो में आया था बारह बुक थी विद माइनर रिविजन थ्रू आउट एंड अ नोट ऑन द वर्सिफिकेशन इसके बाद सोलह में इसकी तीसरी एडिशन भी आई थी तो पहला कब आया था सोलह सौ सड़सठ ईस्वी में उसमें दस बुक थी दस हजार लाइन थी दूसरा कब आया था सोलह सौ चौहत्तर में कितनी बुक थी बारह बुक थी और तीसरा वर्जन कब आया था सोलह सौ अठहत्तर ईस्वी में आया था चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पे और ये क्वेश्चन है द थीम ऑफ़ एरोटिका इज एरो का थीम क्या है फ्रीडम ऑफ प्रेस वेरी सिंपल ये टीजीटी दो हजार में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस थीम ऑफ एरोपेजिटिका इज फ्रीडम ऑफ प्रेस यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेनेशन में मिल्टन एरोपेजिटिका इज ए 1644 फोर्टी फोर प्रोज पोलिमिकल ट्रैक्ट इट इज अबाउट अपोजिंग लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप इट इज रिकार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इलोक्ट डिफेंसेस ऑफ प्रेस फ्रीडम ईवर रिटेन क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्टी फाइव देखेंगे और इसमें क्या है कि विच वन विल्टन फेवरेट मिल्टन का फेवरेट क्या था पैराडाइज रिगेंड पैराडाइज रिगेंड जो है मिल्टन का फेवरेट था 2001 में पूछा गया है क्या आप यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेनेशन में मिल्टन फेवरेट वाज पैराडाइज रिगेंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1671 बाय जॉन मैकॉक इट इज रिटेन इन फेयरली प्लेन स्टाइल द पोएम इज़ फोर बुक लॉन्ग तो पैराडाइज रिगेंड जो है सोलह सौ में ये याद कर लो ठीक मिल्ट फेवरेट वॉज पैराडाइज रिगेंड इट वॉजिश्ड इन सिक्सटीन सेवेंटी वन बाई जॉन मैकॉक जॉन मैकॉक ने पैराडाइज रिगेंड पब्लिश करवाया था सोलह सौ इकहत्तर ईस्वी में क्योंकि सोलह सौ सड़सठ में मिल्टन वॉज अल्लाह को प्यारे महरूम दिवंगत इसके बाद इट इज़ रिटेन इन फेयरली प्लेन स्टाइल चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में क्या है नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स नथिंग टू वेल आर नॉट द ब्रिग नो वीकनेस नो कंटेम्ट डिस्प्रेस और ब्लेम नथिंग बट वेल एंड फेयर एंड वॉट वे वाट मे क्वाइट As इन डेथ सो noble, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स टेकन ये लाइन कहाँ से लिखी ली, ली गई है तो ये सैमसन एगनेस्ट से ली गई है कहाँ से सैमसन एगनेस्ट से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखेंगे दीज लाइन्स है फ्रॉम जॉन मिल्टन सैमसन एगेस्ट इट इज़ अ ब्लैंक वर्स blank verse इन published in 1671. अगला क्वेश्चन है टी 2001 में 2004 में 2013 में तीन तीन बार पूछा जा चुका है इसलिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज ए मास्क जो लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स है वो क्या है मास्क है द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज मास्क कॉमर्स इज ए मास्क इन ऑनर ऑफ चैरिटी रिटेन बाय जॉन मिल्टन इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन माइकल मैस 1634 थर्टी बिफोर जॉन इजर्टर फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर एट लुडलो काल इन सेलिब्रेशन ऑफ द अर्ल्स पोस्ट एज लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल नेक्स्ट देखेंगे सिक्सटीन हंड्रेड सॉरी थर्टी एट क्वेश्चन नंबर है होम मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोइट्री होम मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोइट्री मिल्टन जो है किसको पोइट्री का मास्टर समझता है अपने अपना मास्टर समझता है स्पेंसर को समझता है मिल्टन वाइल डीप इन क्लासिक्स हैड येट ग्रेटर लव फॉर हिज नेटिव लिटरेचर स्पेंसर वॉज फॉर ईयर्स हिज मास्टर यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है फ्रेंड्स वाज मिल जॉन मिल्टन बॉर्न जॉन मिल्टन पैदा कब हुए थे तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा सोलह सौ आठ देखते हैं जॉन मिल्टन वाज बॉर्न ऑन नाइन्थ दिसंबर सिक्सटीन जीरो एट इन इंग्लैंड में पैदा हुए थे वेयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न अच्छा मिल्टन कहाँ पर पैदा हुए थे तो इसका ऑप्शन है लंदन टी जी में इतने भी आसान क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है कि इन हुज मेमोरी डिड मिल्टन राइट मी था आई सा मई लेट स्पाउस्ड सेंट ये 2011 में पूछा गया था इसका करेक्ट ऑप्शन है मैरी पावल मैरी पावल के बारे में इन्होंने कहा था मी था आई सा लेट स्पाउट लेस स्पाउस्ड सेंट फ्रेंड्स चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन बाकी था और वो है मिल्टन मैरीड मैरी पावेल इन सिक्सटीन इन सिक्सटीन फोर्टी माफ़ कीजिएगा इसके पहले मैंने 1642 अगर कह दिया हो तो 1642 में मिल्टन मैरी पावेल से मैरी मैरिड मतलब मैरिज करते हैं बट आफ्टर सम टाइम शी लेफ्ट हिम एंड देन ही रोट टू स्ट्रॉग पम्फ्लेट्स ऑन द ऑन डाइवोर्स एंड सेड इट इन इट मतलब जो डाइवोर्स था उसमें उन्होंने कहा था जो अभी मैंने पढ़ा है ऊपर लाइन तो इसके बाद देखते हैं कि 42 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि इन विच ऑफ फॉलोइंग वर्क्स डिट मिल्टन प्रमोट फ्रीडम स्पी स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है एरोपेजिटी का इसका आंसर है और इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मिल्टन प्रोमोट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोजेज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप इन एरोपेजिटिका ऑल्सो कॉल्ड फोरम ऑफ एथेंस क्या ऑल्सो कॉल्ड फोरम ऑफ एथेंस ये कुल पूछ जाता है थोड़ा सा भी नॉर्मली इजली ले लीजिए तो फिर हल्के में लीजिए तो फिर समझ लीजिए पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज बुक्स 2003 2009 2011 2013 कितनी बार पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ट्वेल्व पैराडाइज लास्ट एट फर्स्ट इट वॉज़ डिवाइडेड इंटू टेन पार्ट्स बट इन सेकंड एडिशन इट वॉज इनटू इंटू इन फ्रॉम इट फॉलोज़ ए स्ट्रिक्ट यूनिटी ऑफ द क्लासिकल एपिक तो बारह इसका करेक्ट ऑप्शन है और ये देखिए चवालिस में क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर कहता है कि पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन इन ब्लैंक वर्स 2011 में इसको टीजीटी में पूछा गया था जो एग्जाम आपको देना है क्या पूछा गया ब्लैंक वर्स क्या होता है अनराइम्ड वर्स इन आयम्बिक पेंटामीटर जनरली नोन एज ब्लैंक वर्स एंड इमोर्टल एपिक पैराडाइज लॉस्ट यूजेज इट यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा गया है कि द फेमस लाइन वॉट though the field is lost all is not lost लास्ट though the field is lost all is not lost ये इस तरीके से जो है स्ट्रेस एसेंट एंड एसेंट होता है ना पोएम का तो इस तरीके से बोला जाता है वो द फील्ड बी लॉस्ट इस, इसका मतलब ये होता है कि इसमें देखिए कम इस है, इस इस है। स्ट्रेस है इसमें ज़्यादा स्ट्रेस है अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस कैसे वट दो वट दो द दील्ड बी लॉस्ट ऑल इज़ नॉट लास्ट ऐसे इसी टाइप से है छोड़िए तो वाट दो द फील्ड इज लास्ट ऑल इज नॉट लास्ट जो है सी सटन हो गया ठीक दीटमेंट वाट दो द फील्ड इज लास्ट ऑल इज़ नॉट लास्ट इज स्पोकन बाई सेटन इन पैराडाइज लास्ट तो ये सटन कहता है कि वर्ल्ड वाट दो द फील्ड इज लास्ट क्या हुआ जो हम हमने स्वर्ग को खो दिया उस फील्ड को खो दिया सब कुछ तो नहीं खोया है कितना बढ़िया स्टेटमेंट है उसका मिल्टन बिगिनस पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट विद इनवोकेशन पैराडाइज लास्ट जब वो शुरू करते हैं बुक फर्स्ट में तो सबसे पहले वो शुरू करते हैं इन्वोकेशंस थे ठीक बुक फर्स्ट विद इन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन में है दर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल्थ दैन सर्व इन हेवन डीजीटी दो हजार में पूछा गया दर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल्थ दैन सर्व इन ठीक हैवन में सेवा करने से अच्छा है हेल में शासन करना ये किसने कहा था सटन ने कहा था द फेमस लाइन इज फ्रॉम पैराडाइज लास्ट बुक बेटर टू रेन इन देन सर्व टू सर्व इन हेवन इज बुके बाई सेटन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट बाई व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड चौवालिस की उम्र थी बचवा की दादाजी की चौवालीस की उम्र थी जब वो अंधे हो गए थे मिल्टन व छोड़ो लास्ट ऑल इज नॉट लास्ट अच्छा आंसर देखते हैं इन 1652 फिफ्टी टू मिल्टन बिकेम ब्लाइंड वाइल ही वॉज बोर्न इन सिक्सटीन जीरो एट हेंस द एज ऑफ मिल्टन ब्लाइंडोर्टी फोर ठीक सोलह सौ बावन ईस्वी में वो अंधा हुए थे 1608 में पैदा हुए थे जोड़ लो उसका चौवालीस आएगा फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर वीडियो के क्वेश्चन अच्छे हों खूब अच्छे अच्छे तरीके से एनिमेशन स्कीम में भले नहीं है लेकिन क्वेश्चन अगर अच्छे हैं आपको अच्छे लगते हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं और एक भी क्वेश्चन दो भी क्वेश्चन या दस क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों आपके लिए हेल्पफुल हों तो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो तैयार की है तो मेरे लिए आप सिर्फ चैनल को एक सब्सक्राइब दे सकते हैं चैनल को लाइक कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं बेल आइकन को दबा सकते हैं इतना करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी क्योंकि मैं अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब देखता रहता हूँ आप कमेंट कीजिए और कमेंट भी मैं आप सभी लोगों के पढ़ता हूँ नगेंद्र तिवारी बाकी जितने भी लोग हैं कमेंट करने वाले उन सब सबके कमेंट्स को मैं देखता हूँ नगेंद्र तिवारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप जितना सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट